करने वाले हैं स्टडी ऑफ चार्ज की, ओके। तो ये आपका क्लास 12 सिलेबस का बिगनिंग भी है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से चार्ज बिहेव करता है, ओके। और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग चार्ज की स्टडी कर रहे हैं जब चार्ज रेस्ट पे होता है, राइट। और ये एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसमें आप बहुत सारे फंडामेंटल लॉज के बारे में जानेंगे। और आपको ये रियलाइज होगा कि ये चैप्टर ग्रेविटेशन के बहुत सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस यहाँ पर है कि ग्रेविटेशन में सारे फोर्सेज अट्रैक्टिव होते हैं, राइट। टू मासेज अगर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और यहाँ पर लेकिन अगर दो चार्ज हैं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, फाइन। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप देखने जाएंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन टू मासेस जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, जो आपको एक बहुत ही सिमिलर लुकिंग एक्सप्रेशन देता है, अनदर कॉन्स्टेंट कॉल्ड 1/4 ε₀ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फाइन। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करने जाएंगे, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, राइट। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स देखने जाएंगे, आपको ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ये होता है। अब ये दोनों बहुत ही सिमिलर लुकिंग एक्सप्रेशन है, इसकी वजह से जो भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं सिमिलर वे में इसके बारे में भी डिस्कशन होगा, क्योंकि मैथमेटिकली तो दोनों एक जैसे हैं एकदम ही, राइट। तो अगर मैं इस फोर्स से कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करता हूं तो सिमिलर लुकिंग पोटेंशियल एनर्जी यहां से भी डिराइव होगी, राइट। तो जिस तरह से हमने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में बात किया था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में बात किया था, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात किया था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था, उसी तरह से हम पोटेंशियल फील्ड एनर्जी इन सब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, राइट। और अल्टीमेटली आप ये रियलाइज करेंगे कि ये चैप्टर सिर्फ एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर देता है और उस फोर्स के बेसिस वो बहुत सारे ऐसे चीजें डिराइव करता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और फील्ड, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बस एक फोर्स ही तो है और एक पोटेंशियल एनर्जी इससे आएगी। तो जो भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, किसी भी फोर्स के लिए क्या होता है, वो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, वो यहां पे भी ट्रू है, ओके। और फिर हमने वर्क बाय एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, वो भी यहां पे वैलिड है। तो जो भी हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, एवरीथिंग इज वैलिड हियर। और आप ये पाएंगे कि यहां पर इस चैप्टर में मैकेनिक्स बहुत आसानी से घुल मिल जाती है, क्योंकि जस्ट ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है, राइट। और एक और चीज आप यहां पे नोटिस करेंगे कि प्रॉब्लम यहां पर जब न्यूमेरिकल आता है आपके सामने, आपको लगेगा कि प्रॉब्लम में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी आप पढ़ेंगे वो बहुत ही इजिली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिकी बनाएगा मेरे दोस्त वो है आपका जो क्लास 11 के चैप्टर है, वो बनाएंगे इस चैप्टर को ट्रिकी। जैसे अगर कि मैं लॉज ऑफ मोशन इसमें मिक्स कर दूं, एक अगर एक चार्ज मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो उसमें सारे लॉज ऑफ मोशन लग जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का बस एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि फोर्स कितना होता है भाई, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और अगर आप क्लास 11th आपने जस्ट खत्म किया है, और ये समझ लीजिए अगर ये मंथ चल रहा है आपका मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक का, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 11th ही एक दो महीना और रिवाइज करिए, फाइन। क्योंकि आप पाएंगे कि क्लास 12th के सिलेबस बहुत ही सिंपल है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फाइन। और अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा हुआ है फिजिक्स का, तो क्लास 12th में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि क्लास 12th में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है देखने के लिए, यहां पे भी निटिडिटीज हैं और फाइनर डिटेल्स हैं थोड़ी थोड़ी, जिसको कभी कभी एक्सप्लॉइट किया जाता है एक बहुत ही अच्छा सवाल बनाने के लिए, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके।
तो चार्जेस आते कहां से हैं? आपको तो ये पता ही होगा कि सारा जो मैटर है यूनिवर्स में कैसे बना हुआ है, इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या चीज है। सब जितने भी मैटर है सब बने हुए हैं एटम से, राइट। और एटम के अंदर आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए किसी चीज में तो उसको बोल सकते हैं हम कि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, राइट। जनरली क्या होता है, हर मटेरियल न्यूट्रल होता है और हर मटेरियल चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मास की प्रॉपर्टी होती है उसकी इनर्शिया, वो अपना स्टेट मेंटेन करके रखना चाहता है। उसी तरह से चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है न्यूट्रलाइज होना चाहता है, सिंपल, राइट। तो कोई भी मैटर होगा अगर उसमें चार्ज है तो वो चाहेगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करे और अपने ऊपर ले ले ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जनरली क्या होता है, हर मैटर जो है नेट नेट इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज रखता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स आप बढ़ा दिए तो क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं। अब आपने क्या डे टू डे लाइफ में चार्ज को एक्सपीरियंस किया है? आपको याद होगा आप जब फॉर एग्जाम्पल ठंडियों में कंबल ओढ़ते हैं तो आपको एक हल्का सा नॉइज जरूर आता होगा, यू नो, वो जो नॉइज है वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कंबल से आपकी तरफ या आपसे कंबल की तरफ। अगर आप बहुत ही डार्क में अगर कंबल ओढ़ेंगे तो आप उसको देख भी सकते हैं, छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं वो। और सिमिलरली जब आप जैकेट वियर करते हैं तो छोटे छोटे स्पार्क्स निकलते हैं, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही है। और बचपन में आपने तो ये किया ही होगा, प्लास्टिक का स्केल आपने अपने सर पे रब करके आपने अट्रैक्ट किया होगा कुछ छोटे छोटे पेपर के पीसेस होते हैं, राइट। तो पेपर के पीसेस में तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसको जाना चाहिए नीचे बट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ मिस्टीरियस हो रहा है, राइट। तो यहां पे भी जब आप रगड़ते हैं स्केल को सर पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके सर से स्केल में पहुंच जाते हैं और स्केल को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो है एक फोर्स लगा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फाइन। इसी तरह से आपने लाइटनिंग देखी होगी, जो लाइटनिंग होती है वो क्लाउड्स में बहुत सारा एक्सेस चार्ज जब डेवलप हो जाता है तो बहुत ही हाई पोटेंशियल पे वो डिस्चार्ज होता है अर्थ की तरफ, वो लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स टूवर्ड्स द अर्थ, ओके। तो वो भी एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। अब ये तो हो गई एक्सटर्नली, इंटरनली आपके बॉडी में आप कोई भी चीज जब एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज को टच करते हैं तो आपको लगता है हॉट है, कोल्ड है, कुछ आपको चोट लग गई, वो जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है वो मेरे दोस्त वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से ही पहुंचता है। एक चार्ज का जो एक छोटा सा करंट डेवलप होता है वो जो है आपके नर्वस सिस्टम से होता हुआ ब्रेन में जाता है और वही आपको ऐसा फील करने के लिए बोलता है। आप ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर समझ पा रहे हैं जो भी हो रहा है आपके ब्रेन में वो चार्ज की वजह से ही हो रहा है। जब आप एमआरआई लेते हैं तो जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक ताना बाना निकल के आता है एमआरआई में। तो ये चार्ज बहुत ही बेसिक सी चीज है और ये सदियों से मान लिया गया है कि ये एक बहुत ही फंडामेंटल सा पार्टिकल है, ओके। तो अगर ये बहुत ही फंडामेंटल सा पार्टिकल है तो इसको तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, जस्ट लाइक आप टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते, लेंथ को, मास को, इन सब को डिफाइन नहीं कर सकते, उसी तरह आप चार्ज को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, बट इसको हम लोग एसआई सिस्टम में फंडामेंटल नहीं मानते हैं। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्या है? करंट है। ऐसा क्यों? फंडामेंटल इन एसआई यूनिट आर दोज यूनिट्स विच कैन बी इजिली मेजर्ड विथ हाई एक्यूरेसी। चार्ज को मेजर करना बहुत मुश्किल है और हम लोग एस्टिमेशन ही लगाते रह जाते हैं, लेकिन करंट को मेजर करने के लिए आपको तो पता ही होगा माइक्रोमीटर है, मिली एमीटर है, बहुत हाई एक्यूरेसी से आप करंट को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए चार्ज को ना लेते हुए यहां पे करंट को एक बेसिक यूनिट माना गया है, ओके। तो हमारे अभी तक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि चार्ज आता कैसे है, चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो क्या हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन वगैरह नहीं निकाल सकते? क्या हम प्रोटॉन्स को छेड़ नहीं सकते और वहां से हम लोग चार्ज डेवलप नहीं कर सकते?
आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक बहुत ही हाई वैल्यू का फोर्स लग रहा है, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो प्रोटॉन्स को इतना तेजी से पकड़ के रखता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में, कि आप न्यूक्लियस को तो आप छू ही नहीं सकते, वहां से आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो यूजुअली क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन से ही डील करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन के बनस्पत, तो अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग ये सब हम लोग एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के शुरू में ही बना के अभी चलते हैं, ओके। और एक और चीज, चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो होती है कूलम, ओके। लिख लीजिए, ठीक है, कूलम होती है, उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये कूलम आप इसको 1 kg या 1 meter जैसे मत समझिएगा, 1 coulomb इज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। ये आप हो सकता है अपनी लाइफ टाइम में भी ना देख पाए, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, ये नेट चार्ज एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, अगर 2 coulomb चार्ज अगर 1 meter की दूरी पे ऐसे रखे हुए हैं तो इतना फोर्स लगेगा उसमें कि दोनों सोलर सिस्टम से भी बाहर उड़ जाएंगे, कुछ 9 billion न्यूटन लगेगा दोनों पे फोर्स, तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। इस तरह का चार्ज आप कभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ज है तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, इस तरह की यूनिट्स आएंगी। तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि हमेशा आपको माइक्रो कूलम और मिली कूलम में चार्ज दे दिया गया है, राइट। तो ये एक रियलिस्टिक सा सिनारियो है कि ये 1 coulomb बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये जस्ट बिकॉज द वे करंट इज डिफाइंड, उसी के टर्म्स में कूलम डिफाइंड किया गया है, इसलिए कूलम की यूनिट बहुत बड़ी आ जाती है, राइट। और एक और चीज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ऐसे लिखेंगे, 1 electron चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb, राइट। अब अगर 1 electron का चार्ज इतना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 coulomb चार्ज बनाने के लिए, आप ये ट्राई करिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूं आपको वीडियो में, आप पॉज ले लीजिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है। क्योंकि आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे होंगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है इसको करने का, तो आप इसको हल्के में या लाइटली मत लीजिएगा इस चीज को। अगर आप वीडियो को एक क्लासरूम कैसे ट्रीट करेंगे तो आपको मैक्सिमम फायदा होगा, ओके। तो 1 electron का इतना चार्ज होता है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb मतलब 1 electron, ठीक है। तो 1 coulomb का मतलब 1 ÷ 1.6 × 10⁻¹⁹, ये हुआ इसका मतलब। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 ÷ 16 × 10⁻¹⁸, राइट। ये 8 × 8 = 48 20 × 8 = 16.62, इसको मैं लिख सकता हूं 6.2 × 10⁻¹⁷ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, राइट। आप इस चीज का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि चलिए आप एक न्यूमेरिकल करिए, यहां पर आप समझ लीजिए कि आप 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 billion इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा 1 coulomb बनाने में। 1 coulomb को कितना चाहिए, इतने चाहिए कूलम, इतने सॉरी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा, 1 second में 1 billion इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 6.2 × 10⁻¹⁹ / 10⁻¹⁹, इतना सेकंड लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 6.2 × 10⁻¹⁸ सेकंड, फाइन।
अब अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दिए तो आंसर आएगा करीब 200 ईयर्स, तो आपको 200 साल लग जाएंगे इतना चार्ज इकट्ठा करने में अगर आप 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आप इकट्ठा करते रहे पर सेकंड। तो अब आपको बहुत अंदाजा हो गया होगा कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। ओके okay?